नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जो आप ये मेरे पौधों की इतनी ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं और मेरे ये पौधे इतने हेल्दी हैं, तो इनका क्या राज है, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी आज। कि मतलब जो मेरे पौधे इतने अच्छे होते हैं, आपने देखा ही होगा मेरी वीडियो में कि वैसे तो खैर प्लांट तो सभी के ख़राब होते हैं कोई ना कोई, उनकी कई वजह होती है। तो जो मेरे जैड आपको इतने हेल्दी दिख रहे होंगे और इनके तने कितने हेल्दी हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगी भी पास से। तो मतलब क्या राज है इनका और कैसे ये इतने हेल्दी हैं, मैं आपको बताऊंगी। और मैं कौन सा फर्टिलाइज़र इन्हें देती हूँ अपने जैड को, जो मेरे जैड इतने अच्छे हैं। तो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए उसको अच्छा फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए मेरा जैड, मैं इसको मैं बॉन्साई बना रही थी ना, काफ़ी हेल्दी था मेरा। तो देख रहे होंगे आप इसका तना कितना मोटा कितना मजबूत है। तो अगर हमारे प्लांट हेल्दी हैं तो इसका मतलब उन्हें अच्छा पोषक तत्व तो मिल रहा है, अच्छी खाद मिल रही है, इसलिए हमारे प्लांट्स इतने हेल्दी हैं। और छोटे छोटे प्लांटर में मेरे जो जैड हैं वो इतने हेल्दी है, और प्लांट्स भी काफ़ी हेल्दी हैं। और प्लांट्स भी मैं दिखाती ही रहती हूँ आपको। यहाँ ये इतना छोटा सा प्लांटर है, इसमें इतना अच्छा चल रहा है। जैड की कटिंग मैंने बहुत सारी लगा रखी हैं और जैड हो भी रहे हैं मेरे। तो सभी देख रहे होंगे आपके कितने हेल्दी हैं। तो जब हम अपने प्लांट्स को अच्छा पोषक तत्व, जो मतलब उसकी मतलब उसे चाहिए होता है उसके हिसाब से अच्छे पोषक तत्व देते हैं ना, तो प्लांट की ग्रोथ भी उतनी ही अच्छी होती है। तो मैं कभी भी अपने प्लांट्स के लिए, जो मतलब मेरे शो प्लांट्स होते हैं, जो पत्तियों वाले पौधे होते हैं, जिनको मतलब मुझे ऐसा चाहिए होता है कि मतलब मेरे पौधों की ग्रोथ हो, जो मतलब फूल वाले पौधे नहीं होते, फूल वाले पौधों की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं इस प्लांट्स की बात कर रही हूँ कि मतलब जो शो प्लांट्स होते हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए मैं क्या करती हूँ, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि वो फर्टिलाइज़र क्या है। देखिए यहाँ पे ये है गोबर की खाद, और ऐसे आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये गोबर की खाद है, इसको यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपली बस ऐसे पानी में डाल देना है। मैंने तो डाल रखी है इसमें, कुछ दिन पहले ही डाली है, बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सिंपली कुछ नहीं करना है, डाल देना है इसे। और आप एक दिन बाद भी यूज़ कर सकते हैं, दो दिन बाद भी, तीन दिन बाद भी, चार दिन बाद भी यूज़ कर सकते हैं। और अपने पौधे की आवश्यकता अनुसार ही आप जो भी फर्टिलाइज़र बनाएं, अपने पौधे की आवश्यकता अनुसार बनाएं। अगर ज़्यादा कम कुछ भी हो जाए ना, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये कोई केमिकल फर्टिलाइज़र तो होते नहीं है जो हमारे पौधे को नुकसान करें। तो आप एक दिन बाद भी डाल सकते हैं, दो दिन, तीन दिन, चार दिन बाद भी डाल सकते हैं। तो मेरे मतलब मैं अपने जो भी मेरे सो प्लांट्स होते हैं ना, मैं उनमें बस गोबर की खाद ही डालती हूँ और कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। मेरे सकलेंट्स भी आपने देखे होंगे कितने हेल्दी होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, तो मैं उनमें गोबर की खाद का ही लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो अभी तो मैंने डाला हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, बल्कि मैंने इनमें मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। तो अब मतलब मैं इनको फिर और मतलब कहाँ शिफ्ट करूँ, अगर ये मतलब इनकी ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी तो इन्हें और बड़ा पॉट देना पड़ेगा। मैं तो सोच रही हूँ कि इसको इसकी काफ़ी सारी कटाई छटाई करके और इसको मतलब एक वैसा ट्री का लुक दे देती हूँ, बड़ा सा बॉन्साई ट्री बना देती हूँ इन दोनों को, क्योंकि बहुत ही बड़े हो गए हैं और थोड़ा मतलब देखने में भी थोड़ा उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। मतलब सोच रही थी बनाने का, अगर बन जाएंगे तो। तो आप भी अगर अपने पौधे की ग्रोथ इस तरह चाहते हैं ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप गोबर की खाद का ही लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें। मैं मतलब आपने देखा होगा कि मैं फर्टिलाइज़र काफ़ी शेयर करती हूँ, जैसे केले के छिलके का और मतलब प्याज के छिलके का, बहुत सारे और भी, नींबू, कुछ भी, फिटकरी, चाय, कॉफ़ी। आप वैसे इसमें चाय पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, कॉफ़ी का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें गोबर की खाद का ही लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ जो भी मेरे ऐसे प्लांट होते हैं। और जो मेरे फूल वाले पौधे होते हैं ना, उनमें मैं और फर्टिलाइज़र डालती हूँ, जैसे मतलब केले का, प्याज के छिलके का, और भी फलों के मतलब, और जैसे मतलब ये बोगनविलिया, ये सब कनेर वगैरह, ये सब होते हैं, इनमें मैं कोई भी मतलब जैसे
कुछ भी डाल दिया, आम के आजकल आम इतने आ रहे हैं, आम के छिड़के का फर्टिलाइज़र डाल दिया, या फिर नींबू के छिड़के का फर्टिलाइज़र डाल दिया, फिटकरी का फर्टिलाइज़र डाल दिया, टी कॉफ़ी किसी का फर्टिलाइज़र डाल दिया। लेकिन मैंने इसमें जो मेरे ये प्लांट्स हैं इनमें इनके हेल्दी ग्रोथ के लिए सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है। और जब मैंने इनकी सॉइल मिक्स क्या तैयार करती हूँ तो उसमें मैं कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ गोबर की खाद डालती हूँ और अपने गार्डन की जो हमारी मिट्टी होती है वो डालती हूँ, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। आप देख रहे होंगे मतलब ये कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है मेरा जेड, बहुत ही बड़ा हो गया और काफ़ी साल से बना हुआ है मेरे गार्डन में। वो तो मैं इसे इतना ज़्यादा मतलब इसकी कोई मतलब केयर नहीं करती, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अब जब ये पॉट ही टूट जाएगा ना, मतलब शायद टूटने वाले कंडीशन में ही है पॉट, तो तभी मैं इसे दूसरा पॉट दूंगी। तो मैं इतना ज़्यादा इसमें नहीं डाल रही हूँ। फर्टिलाइज़र मैंने डाला, मैं बता देती हूँ आपको, मैंने अपने ये जो मैं बॉन्साई बना रही हूँ इसमें फर्टिलाइज़र डाला है, और ये छोटे छोटे वाले इनमें फर्टिलाइज़र डाला था, ये बड़े वालों में मैंने फर्टिलाइज़र नहीं डाला, काफ़ी टाइम पहले डाला था, अब नहीं डाला। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट्स इस तरह से खूब हेल्दी हो ना, मतलब जैसे भी जो भी सो प्लांट होते हैं, चाहे वो ड्रेसिना हो गए, क्रोटन हो गए, तो ये मतलब हमारे जो पौधों के पत्तियों में चमक भी लाता है, खूब शाइनी बनाता है और अच्छे से मतलब, और ग्रोथ तो खैर करता ही करता है। तो अगर आप कोई और फर्टिलाइज़र नहीं भी डालते हैं ना, और सिर्फ गोबर के खाद का फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो बहुत पावरफुल होता है गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र। मेरा तो इसके साथ बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा है गोबर की खाद के साथ, तो बहुत ही अच्छा होता है गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र। आप डाल सकते हैं गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र। दोस्तों, अगर आपको भी अपने प्लांट्स की ग्रोथ चाहिए और अपने प्लांट्स इसी तरह हेल्दी चाहिए, स्वस्थ चाहिए, आप देख रहे होंगे इसका तना कितना मतलब मोटा है, पता नहीं शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, इतना मोटा तना है, मैं दिखा देती हूँ। इनके तने भी इतने मोटे मोटे हैं, बहुत ही मोटे, बहुत ज़्यादा मोटे। इसका भी ठीक ठाक है, और इसका पता नहीं, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया तो दिख नहीं पा रहा है। और प्लांट्स आपको दिख रहे होंगे कि काफ़ी हेल्दी प्लांट्स हैं। तो आप भी गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हैं और अपने प्लांट्स को इस तरह हेल्दी बना सकते हैं। और जो फूल वाले फल वाले प्लांट्स होते हैं उनमें भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं डाल सकते, लेकिन जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें मैं ज़्यादातर ये जो होता है काफ़ी सारे मतलब जो फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे केले के छिलके का, प्याज के छिलके का, इस तरह के डालती हूँ। आजकल जैसे जो फ्रूट्स आ रहे हैं उनके छिलके का फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ, कुछ भी मिक्स वेज जो हमारे यहाँ आलू जो भी मतलब होता है ना, सारा सब कुछ उनको बना के डाल देती हूँ। लेकिन मैं सो प्लांट्स में नहीं डालती हूँ, ना ही अपने सकलेंट्स में डालती हूँ, इनमें मैं सिर्फ गोबर की खाद का ही लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पौधे इसी तरह हेल्दी हों, उनकी पत्तियाँ इसी तरह चमकदार हों, आपके पौधे इसी तरह स्वस्थ हों, तो आप भी गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हैं। वैसे तो ड्राई भी डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई उतनी जल्दी असर नहीं करता जितना लिक्विड करता है, क्योंकि लिक्विड जल्दी जल्दी जाता है, क्योंकि वो वैसा रहता है ना, मतलब उसकी अवस्था लिक्विड होती है और ये तो काफ़ी सख्त होता है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट में पानी गिरता है वैसे वैसे धीरे 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 असर करता है। तो अगर आपको जल्दी असर चाहिए तो लिक्विड डालें, लिक्विड बना के डालें फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।